Hey, कोई मुझे एक बात बताओ, ये हर बार विनिंग रन्स राहुल तेवतिया से मरवाना जरूरी है क्या? वेलकम टू द न्यू आईपीएल दोस्तों, जहां पे अब हर मैच लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक जा रहा है। वैसे तो देखो, इस मैच की सेकंड इनिंग्स के 19th ओवर तक मैं बहुत आराम से सोया, लेकिन उसके बाद सैम करन ने एकदम से नींद खोल दी। शुभमन गिल की विकेट जाते ही एकदम से एक्साइटमेंट वापस आ गई, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी भाई। जो मैच गुजरात आराम से 10-15 बॉल पहले जीत सकती थी, उसको सेकंड लास्ट बॉल तक शायद इसलिए लेके गए क्योंकि राहुल तेवतिया ने आके मैच जो खत्म करना था। पंजाब को हराना तो राहुल तेवतिया की ही किस्मत में लिखा है। हर बार भाई, हर बार फिनिशिंग के लिए बंदा कैसे आगे आ जाता है। हाँ, पिछले हफ्ते तक 17-18 ओवर में मैच खत्म हो जाते थे आईपीएल में, लेकिन इस संडे के 5 छक्कों के बाद सब कुछ बदल गया। लगातार 5वां दिन हो चुका है जब मैच फिर से आखिरी ओवर में गया है, और हम फैंस बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मजा तो हमें ही आ रहा है। तो भाई, जो भी इस समय आईपीएल की स्क्रिप्ट लिख रहा है ना, मैं तो कहूंगा उस बंदे की सैलरी बढ़ाओ। देखो, जिन्होंने ये मैच नहीं देखा उनको बता दूं कि इस मैच में लास्ट ओवर के अलावा कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हुआ। इतना बोरिंग हो गया था मैच कि ब्रॉडकास्टर्स को बार बार पुराने 3-4 मैचेस की हाइलाइट्स दिखानी पड़ रही थी। कभी रिंकू सिंह के छक्के लग रहे होते थे तो कभी आरसीबी हार रही होती थी भाई। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि हार्दिक भाई का लक बहुत क्रेजी है। हार्दिक भाई हर टॉस को जीत जाते हैं और उसके बाद लेते हैं चेज। बस फिर क्या, मिलर तेवतिया राशिद तो है ही खत्म करने के लिए मैच। और देखो, मैच पेरेंट्स वो हार्दिक भाई क्यों ही मनाए, इतना प्रेशर हो जाता है ना कैप्टनसी का। अगर हगिंग किसिंग करनी है मैच में तो बताओ भाई। शिखर भाई की शक्ल देखो एक बार, लग रहा है कह रहे ये कहां फंस गया यार, मैं तो क्रिकेट खेलने आया था। गुजरात टाइटंस इतनी आसानी से कैसे जीत रही है? पिछली बार जो रिंकू सिंह ने इनके साथ किया वो तो एक चमत्कार ही था भाई, लेकिन उसके अलावा भी इस टीम को हराने के लिए लगता है चमत्कारों की ही जरूरत है। बोलिंग में राशिद, शमी, अल्हारी जोसेफ ऑलरेडी कम थे, जो अब एक मोहित शर्मा को भी ऐड कर दिया इन्होंने। मोहित शर्मा की इतनी स्ट्रॉन्ग कमबैक परफॉर्मेंस मुझे सोचने में मजबूर कर देती है कि ये टीम हर प्लेयर को, चाहे वो कैसा भी खेल रहा हो, उसको एक मैच विनर कैसे बना देती है। इस टीम पे भैया रिसर्च होनी चाहिए क्योंकि अपने दूसरे सीजन में जीतने के बाद भी ऐसे डोमिनेट कर रही है जैसे 8-9 साल से खेल रही हो। डेब्यू सीजन जीती तो भैया तुक्का भी हो सकता था, लेकिन जब ऐसी परफॉर्मेंस सेकंड सीजन में कंसेक्यूटिवली आ रही है फिर तो पक्का कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स में इस लेवल की कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस लाना तो मुंबई और चेन्नई जैसे फ्रेंचाइजीज के लिए भी मुश्किल हो जाता है जो इतने सालों से खेल रहे हैं। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि पिछले 14 मैचेस में इनके 10 डिफरेंट प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है। ये फैक्ट एकदम क्रेजी है। शुभमन गिल तो ऐसे टच में है कि केकेआर रोज रिग्रेट करती होगी। रिद्धिमान साहा भी हर मैच में एक छोटा मोटा कैमियो खेली जाते हैं, और इस बार तो भाई ने गेमजी पे साहा भाई को कैप्टन बनाया था। परफॉर्मेंस तुम देख ही सकते हो, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था टीम का और थर्ड हाईएस्ट पूरे मैच का। और सिर्फ हार्दिक भाई को अगर हटा दिया जाए तो पूरा मिडिल ऑर्डर तुम्हें पता ही है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देखो, लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद यश दयाल को इन्होंने ड्रॉप करके मोहित शर्मा को खिलाया। 3 साल बाद मोहित शर्मा वापस आईपीएल में एंट्री मारता है और उसके बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। देखो भाई, ये सच भी हमें डाइजेस्ट करना होगा कि यश ने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, और शायद कुछ लोग को लग रहा होगा ये बहुत हार्श कॉल है उसको ड्रॉप करके किसी और को खिला देना, बट अभी तक 3 मैचेस में यश एक भी विकेट नहीं ले पाया था, तो आई थिंक थोड़ा एक ब्रीदर देने की जरूरत है क्योंकि आगे और प्लेयर्स को भी चांस देना ही पड़ेगा। बट आई एम टेलिंग यू भाई, जैसी ये टीम है इस सीजन यश दयाल पक्का से एक मैच जरूर खेलेगा जिसमें वो टीम को मैच जिताने वाला है, ये तो भाई तय है क्योंकि इनका सिस्टम ही ऐसा है। देखो, ये किसी से छुपा नहीं है कि पंजाब की बैटिंग इस समय बहुत खराब है। इस मैच में 56 डॉट बॉल्स खेली है पंजाब की टीम ने। 56 का मतलब समझते हो, यानी 10 ओवर डॉट बॉल्स में, जो कि T20 जैसे फॉर्मेट में अनएक्सेप्टेबल है यार। इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने को, पर पंजाब यार जीतने की कोशिश ही कर लिया करो। प्लेइंग 11 देखो तो थोड़ा हो पाता है, टीम अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार लगता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला। एंड डेफिनेटली अभी मेजर प्रॉब्लम तो बैटिंग की ही है। शिखर भाई जिस दिन अकेले रन मार दे उस दिन तो पार्टी, और जिस दिन वो बंदा जल्दी आउट हो जाए तो भैया टीम बिखर जाती है। इनको डेस्परेटली चाहिए कि लियम लिविंगस्टन आए टीम में और स्टेप अप करे और मिडिल ऑर्डर को थोड़ी स्टेबिलिटी दे। जो टीम तो ज्वाइन कर चुका है लेकिन क्यों नहीं खेल रहा ये अपने को नहीं पता, तो तुम्हें पता है तो कमेंट में बता देना मुझे। खैर, पॉइंट बीइंग, टीम में चेंजेस की बहुत जरूरत है। एंड मैथ्यू शॉट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के मुझे लग रहा है उसको तो टीम में रखना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से उसको धवन के साथ ओपनिंग पे उतार देना चाहिए। एकदम बेयर्स तो जैसी फायर पावर है और एक अच्छी स्टार्ट दे सकता है। आई मीन जैसे गुजरात टाइटंस ने रिद्धिमान साहा को अपनी टीम में रखा हुआ है, यहाँ पे साहा उनकी टीम को इतनी बढ़िया स्टार्ट दे जाता है कि आगे
आगे आने वाले प्लेयर्स के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, और इवन इफ वो ज्यादा रन ना मार पाए तो बॉलें नहीं वेस्ट होती उतनी। तो इनको भी धवन पाजी के साथ एक ऐसा बंदा उतारना पड़ेगा जो फियरलेसली मारे। उसके अलावा क्योंकि प्रभसिमरन सिंह फॉर्म में नहीं है तो अथर ताइडे को चांस दिया जा सकता है। नाम से ही बोल रहा हूँ ना ताइडे, अगर गलत है तो भाई सॉरी, कमेंट्स में बता देना। अथर इस समय टीम के सब्स्टिट्यूट्स में है, लेकिन एक और पोटेंशियली यंग टैलेंटेड प्लेयर है जो कि टीम को बैटिंग भी दे सकता है और लेफ्ट आर्म स्पिन भी डालता है, एंड आई थिंक वो नंबर 3 या नंबर 4 पे आराम से खेल सकता है। राजपक्षे को तो बाहर करना ही पड़ेगा क्योंकि पिछले सीजन सूर्या भाई की तरह खेल रहा था, लेकिन इस बार लग रहा है राहुल से इंस्पायर्ड है। बतिया नहीं, केएल राहुल यार। बोलिंग में रबाड़ा के आने से थोड़ा डिफरेंस तो हुआ, लेकिन क्योंकि टारगेट इतना छोटा था तो हारना निश्चित ही था। हरप्रीत और सैम करन की परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी, और सैम करन ने तो भैया ऑलमोस्ट 7 रन डिफेंड कर लिए यार। स्टैट्स को देख के बंदे का प्राइस उतना जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन अभी तक मुश्किल टाइम में एटलीस्ट बॉलिंग में सैम करन टीम के लिए आगे खड़ा हुआ है। बस थोड़ा एक दो रन और मार दिया करे प्रीति जी के लिए, इतना तो कर ही सकते हो सैम भाई। खैर मेरे हिसाब से पंजाब के अगले मैच में उनकी प्लेइंग 11 अब ये होनी चाहिए। थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अगर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं तो भैया जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। और क्योंकि शिखर धवन इस सीजन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि ये टीम भी अच्छा परफॉर्म करे। आई मीन ये लाइनअप से ही मैच जीतने में शायद थोड़ी हेल्प हो जाए। वैसे कौन सा उनके प्लान ज्यादा वर्क कर रहे हैं? अरे मैच वैसे सैम करन को तो तुम्हारे भाई ने भी कल वाइस कैप्टन बनाया था अपनी टीम में, और इकोनॉमी देख रहे हो सबसे कम ऑलमोस्ट। सोच रहा हूँ कहीं इसी रीजन की वजह से तो नहीं हार गए। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, मैं बोल रहा था कि वो गेमजी को चेकआउट करो गाइस। भाई तुम भी गेमजी पे अपनी ऐसी इससे बेटर टीम बना सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम मुझसे बेटर टीम बना सकते हो तो आ जाओ हेड टू हेड में। देखो केकेआर वर्सेस गुजरात का मैच है, तुम टेलीग्राम ज्वाइन करो आज शाम को, वहां पे एक लिंक डाल दूंगा मैं, जिसने पहले ज्वाइन कर लिया उसकी टीम वर्सेस मेरी टीम इन अ हेड टू हेड मैच। और एंट्री फी बहुत कम होने वाली, टेंशन की जरूरत नहीं है, देखते कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले गेमजी को डाउनलोड कर लेना और साइन अप कर लेना उस पे, और बाकी लोग ये वाला मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, उसमें 15 लाख की विनिंग्स है। वैसे भी इस समय तुम्हारे लिए फर्स्ट डिपॉजिट पे ऑफर भी चल रहे हैं, और जीतने पे सीधा लद्दाख की ट्रिप का चांस है। अब अगर तुम लद्दाख कोड यूज करके अपने वॉलेट में 25 रुपीज डिपॉजिट करोगे तो तुम्हें 100 रुपीज का बोनस भी मिलेगा, और एक लकी विनर को अप टू 30,000 की ट्रिप लद्दाख के लिए जीतने का चांस है, मतलब लद्दाख की फुल पेड ट्रिप। जितनी गर्मी यहाँ पे हो रही है ना, मैं तो वहाँ घूमने जाना चाहूंगा। तो डिपॉजिट करो, बोनस लो और खेलना शुरू करो। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्ले रिस्पॉन्सिबली। तो भाई आज होने वाला है मिराकुलस टीम कोलकाता वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, जो धीरे धीरे फॉर्म में आना चाह रही है। देखो केकेआर के लिए जेसन रॉय और लिट्टन दास दोनों अवेलेबल होंगे, एक को उनको चुनना होगा। मेरी मानो तो लिट्टन दास के साथ जाऊंगा, बाकी तो ये टीम कोई ना कोई चमत्कार कर ही देगी भाई, कुछ नहीं कह सकते। इस बार पता नहीं कौन सा नया स्टार प्लेयर खड़ा कर दे। वैसे पिछले मैच में प्रेडिक्शन करना भूल गया था, लेकिन मेरे को पता था यार गुजरात ने ही जीतना, तो मैंने कहा क्या ही बोलना, चल झूठा। खैर इस बार मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हैदराबाद और कोलकाता के बीच में केकेआर जीतेगी, और मेरी गेमजी की टीम यहाँ पे आ रही होगी वो तुम देख लो। देखो रसल का फॉर्म वापस लाना अब एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और तुम्हारा भाई उसको लाने की पूरी कोशिश करेगा। तो वाइस कैप्टन तो रसेल ही रहेगा, और कैप्टनसी में दे रहा हूं कप्तान नीतीश राणा को ही। बाकी तुम लोग भी अपनी टीम बना लेना, और आज शाम को मेरे साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे रेडी रहना, ताकि अगर इस टीम में कोई चेंजेस होंगे तो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाली दूंगा। यार टेलीग्राम की इतनी प्रमोशन कर दो, इंस्टाग्राम को भूल जाना, वहां पे भी 10K होने वाले हैं। दोनों जगह 10K करा दो और फ्री में सब्सक्राइब भी कर देना। यार अगर तुमने अभी तक CSK वर्सेस राजस्थान वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लेना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। अब आप मेरे को डाउट क्लियर करो कि अगर एक बैट्समैन चौका मारता है तो भागता क्यों नहीं है? आई मीन रन और मिल जाएंगे यार। अरे ससुर जी, अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल है तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता, और तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 डंडे मैं अलग से मारता। सही बता रहा हूँ।